भक्तगण, सभी के चरणों में मेरा नम्र वंदन। भाई शिवाजी जो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव करके जवानों की कोऑपरेटिव 15,000 जवान को इकट्ठा करके बंजर भूमि को उपजाऊ जमीन बनाने का उपक्रम कर रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। यहां आज एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए। विश्व में बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना फैले, ये हमारे देश की संस्कृति का सबसे बड़ा संदेश है। अभी G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 20 सबसे बड़े दुनिया के आर्थिक साम्राज्य के नेता अभी भारत में है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे काल में इस प्रकार का विश्व कल्याण का यज्ञ होना, वो भी मैं मानता हूं कि परम कृपालु परमात्मा की बड़ी कृपा है। इसी के चलते ये वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड जो यहाँ चल रहा है, मुझे हमारे साथी राज्यसभा में पूर्व मेरे रहे विकास महात्मे, उनके द्वारा शिवाजी की भेंट हुई थी। आज यहाँ के सांसद हमारे सुभाष भाबरे साहब, उसको बाबा बोलते हैं, वो यहाँ आके पता चला, लोग उसको बाबा के नाम से प्रचलित करते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे पवित्र संतों के आशीर्वाद हमको मिले, सबके दर्शन का लाभ मिला। जय जवान जय किसान ये नारा चलता था, मगर जवान सरहद पे लड़ते थे, किसान खेत में लड़ता था। आज यहाँ जवान खेत में लगा हुआ देख के बड़ी खुशी हो रही, और ये प्रयोग आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए भी भारत सरकार की ओर से जो भी करणीय होगा वो करने के लिए हमें खुशी होगी। इतनी बात के साथ आप सबका मंगल चाहता हूँ, आपको सभी को भगवान भोलेनाथ, ये तो नासिक त्र्यंबकेश्वर का क्षेत्र है, दादा की पावन भूमि है, उनका आशीर्वाद हम सबो पर बना रहे, यही शुभकामना। नमः पार्वती पते हरा।